बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नासिर, यहाँ पर 50,000 के हवाले से एक नई अपडेट सामने आई है। अगर आपको 50,000 पे नहीं मिला तो अभी भी वक्त है, आप इस मौके से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। अगर आपने अप्लाई कर लिया फिर नहीं मिले तो फिर आपको कंप्लेन करनी चाहिए। कंप्लेन आप कहाँ पे करेंगे ताकि उसके बाद आप लोगों को 50,000 रुपये की जो इमदाद है वो मिल जाए, वो मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर कर देता हूँ और दुरुस्त तरीके का शेयर करूँगा ताकि आपका यहाँ पर फ़ायदा हो सके। मैक्सिमम जो खानदान है, हम चाहते हैं कि उनको यहाँ पर एडवांटेज मिले, हुकूमत उनको यहाँ पर सपोर्ट करे और आप लोगों का हक भी बनता है। तो यहाँ पर हुकूमत की जानिब से मल्टीप्लाई प्रोग्राम शुरू करने का मकसद ये होता है कि हर ख़ानदान को यहाँ पर किसी न किसी तरीके से इमदाद मिल जाए। हुकूमत ने राशन वाली स्कीमें भी शुरू कर रखी हैं, हुकूमत ने 14,000 और 7,000 वाली स्कीम भी शुरू कर रखी है और हुकूमत ने 25,000 वाली स्कीम भी शुरू कर रखी है। तो यहाँ पर जो लोगों की जानिब से सवाल किया जाता है कि हमें 7,000 रुपये मिल रहा है कि हमें 25,000 मिलेगा, तो दोस्तों देखें, जब हुकूमत की जानिब से प्रोग्राम शुरू किया जाता है तो इसकी अलग पॉलिसी होती है। तो हुकूमत ने कहा है कि अगर आपको 7,000 मिल रहा है तो 25,000 में अगर आपका नाम आता है, अगर आप सिलाबी सूरत हाल से मुतासर है तो 25,000 भी आप लोगों का हक है, वो मिल जाएगा। और अब जो सवाल सामने आ रहा है उसमें ये है कि लोग ये पूछ रहे हैं कि हमें 50,000 भी कैसे मिल जाएगा। तो देखें, ये बात बड़ी अनोखी है कि हुकूमत ने इतना बड़ा प्रोग्राम शुरू कर दिया, कमाल की बात है। 50,000 रुपये हुकूमत ने आप लोगों को देने हैं और पहली मर्तबा हुकूमत आप लोगों को 50,000 रुपये की इमदाद देगी। इससे पहले आप जानते हैं 2,000 रुपये इस हुकूमत की जानिब से आप लोगों को दिया गया था, लेकिन अब हुकूमत ने देखा है कि आने वाला जो दौर है वो इलेक्शन का है और इलेक्शन से पहले आप लोगों को ये पैसे दिए जाएंगे। तो ये है काम वाली बात। तो अब हुकूमत ने आप लोगों को 50,000 रुपये की पूरी इमदाद देनी है। ये इमदाद आपको कैसे मिलेगी, इसका जो दुरुस्त तरीका है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर हुकूमत ने 50,000 रुपये देने के लिए कुछ बैंक से वादे किए हैं, कुछ तंजीमों से वादे किए हैं, उसके बाद आप लोगों को ये पैसे दिए जाते हैं। आप लोगों को जिस तरीके से 8171 से मैसेज आता है, इसी तरीके से एक नए कोड के ज़रिए आप लोगों को मैसेज आएगा और मैसेज के बाद फिर आप जाकर ये रकम वसूल कर लेंगे। मिसाल के तौर पे आपने जो हुकूमत ने तरीका बताया उसके मुताबिक आपने अप्लाई भी कर दिया, लेकिन उसके बावजूद आपको पैसे नहीं मिले, तो आपका राइट बनता है कि आप कंप्लेन कर लें। बहुत ज़्यादा दोस्त यहाँ पर घबराते हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं आप लोगों को एक शख्स का मैसेज पढ़ के सुनाता हूँ जिसने हुकूमत को कंप्लेन की और उसके बाद हुकूमत की जानिब से जवाब दिया गया। तो यहाँ पर हुकूमत की जानिब से ये जवाब दिया गया, मोसस शहरी, आपने हमें कंप्लेन की, आपकी दरख्वास्त को ज़ेरे गौर लाया गया, हमने देखा कि आपका पुट स्कोर कितना है, NSER सर्वे के ज़रिए आपका सर्वे करवाया गया और सर्वे के मुताबिक आपका जो स्कोर है वो इससे मैच नहीं करता। उन्होंने बताया कि अगर आपका स्कोर 30 से कम होता तो आपको हुकूमत की जानिब से एहसास कफालत प्रोग्राम में शामिल किया जाता, लेकिन यहाँ पर आपका जो गुर्बत का स्कोर है वो 30 से ज़्यादा है, आपका 37.3 जो है वो स्कोर है। जितना आपका स्कोर होगा वो बताएंगे, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर एहसास कफालत प्रोग्राम में शामिल नहीं किया जा रहा और आपके बच्चों को तालीमी वज़ाइफ नहीं मिल सकते। तो इस बंदे ने जो कंप्लेन की थी वो की थी पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल पर। ये इमरान खान के दौरे हुकूमत में जो एप्लीकेशन है ये बनाई गई थी। जो भी कोई पढ़ा लिखा है, कोई आपका दोस्त है, आपके इर्द गिर्द कोई रहता है, उसको आप बताएं कि पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल पर हमने कंप्लेन करनी है। जब आप पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल पर कंप्लेन करेंगे आपकी 100% उस कंप्लेन को हल किया जाएगा, आपको यहाँ पर हुकूमत की जानिब से सपोर्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर ये बंदा आहिल नहीं था, हुकूमत ने इसको जवाब दिया कि आप आहिल नहीं हैं और आपका ये मसला है। तो इस तरीके से अगर आप यहाँ पर कंप्लेन करते हैं तो आपका सबसे बड़ा एडवांटेज है कि आपका मसला हल हो जाता है। इसी तरीके से अब हुकूमत ने जो 50,000 रुपये देने का वादा किया है, अगर आपने डायनेमिक सर्वे करवा लिया और उसके बावजूद आप लोगों को यहाँ पर 50,000 रुपये की इमदाद नहीं मिल रही, आप सिलाबी सूरत हाल से मुतासर हुए हैं, तो हुकूमत से आप रब्ता करें या आप पाकिस्तान सिटीज़न पोर्टल पर कंप्लेन करें, तो यहाँ से आप लोगों अगर हकदार हुए तो आपको बताया जाएगा और आपकी जो 50,000 रुपये की इमदाद है वो आपको दे दी जाएगी। आपको 8267 से मैसेज आएगा जब आप यहाँ पर अपनी कंप्लेन दर्ज करवाएंगे या आप लोग जब आहिल होंगे। दूसरी बात ये कि सर्वे के ज़रिए सिर्फ शामिल हो सकते हैं, सर्वे के लिए खुद हुकूमत की जानिब से टीम भेजी जाएगी और सिलाबी सूरत हाल से मुतासरीन को सिर्फ जो है हुकूमत 50,000 रुपये की इमदाद दे रही है।